हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू अफेयर टीवी। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक असाइलम से। समय चल रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौर का। इस असाइलम में एक खूबसूरत सी लॉन्ड्री गर्ल है जिसका नाम है मैडलिन। मैडलिन ना सिर्फ यहाँ पर लॉन्ड्री का काम देखती है, इसके साथ ही उसे एक चीज़ में और इंटरेस्ट है। दरअसल यहाँ पर एक ग्रेट फिलोसोफर को कैद करके रखा गया है, इसका नाम है मार्कस। मार्कस अपनी लिखाई लिखता रहता है, अपने नोट्स वो मैडलिन को देता है और मैडलिन एक हॉर्समैन को ये नोट्स प्रोवाइड कराती है। इस तरह ये नोट्स एक पब्लिशर तक पहुंचते हैं और इसकी किताबें छपती रहती हैं। इन सब के साथ ही मार्कस मैडलिन में इंटरेस्ट भी लेता है। हालांकि मैडलिन उसके बेटे की उम्र की है, पर फिर भी मार्कस उसके साथ घपाघप करना चाहता है। एक रात वो मैडलिन को अपने रूम में बुलाता है। मैडलिन को निर्वस्त्र करता हुआ वो उसके साथ संभोग करना चाहता है, पर मैडलिन अंत में आनाकानी करते हुए यहाँ से चली जाती है। मैडलिन मार्कस की बहुत रिस्पेक्ट करती है, पर वो उसके साथ घपाघप नहीं करना चाहती। दरअसल मैडलिन को प्रेम है एबे से। एबे भी यहाँ का ऑफिशियल है जो कि यहाँ की देखरेख करता है। अक्सर वो मार्कस को विजिट करने आता रहता है और इस दौरान उसकी मुलाकात मैडलिन से हो जाती है। अब तो एबे मैडलिन को पढ़ना लिखना भी सिखाने लगा है। धीरे धीरे मैडलिन ने पढ़ना सीख लिया है। वो मार्कस के लिखे किताबें पढ़कर अपने साथी लोगों को सुनाती है। मार्कस की एक किताब जस्टिन इतनी फेमस हुई कि इस समय के राजा नेपोलियन बोनापार्ट की नज़र इस बुक पर गई। उसने इस बुक की सारी कॉपियां जलवा दी और साथ ही उसने आदेश दिया है कि मार्कस को मौत के घाट उतार दिया जाए। पर नेपोलियन का एडवाइज़र डेलबेर कुछ और ही चाहता है। उसने नेपोलियन को बताया नहीं, पर उसने अपने ऑफिसर रॉयर्स को कहा कि तुम असाइलम में जाओ। वो उसे सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम जाकर मार्कस को लिखने से रुको, पर उसे मौत के घाट मत उतारना। इस तरह रॉयर यहाँ असाइलम में पहुँचा है। वो एबे से मिलकर कहता है कि तुम मार्कस को लिखने से रुको। एबे कहता है कि ये काम तुम खुद भी तो कर सकते हो। एबे ने फिलहाल रॉयर की बातों को रिजेक्ट कर दिया है। कुछ समय के बाद रॉयर को एक लड़की गिफ्ट की गई है। पेरिस में एक फैमिली ने रॉयर को वाइफ के तौर पर सिमन को गिफ्ट किया है। सिमन माइनर है, पर रॉयर ने जब उसे देखा तब उसके अंदर काम वासना जगी। अब वो सिमन को अपने साथ ले जा रहा है। वो उससे शादी करेगा और फिर उससे जिस्मानी संबंध बनाएगा। नेपोलियन ने भी रॉयर को एक महल गिफ्ट किया है असाइलम से लगा हुआ। इस महल में आकर सिमन रहती है। आज की रात वैसे तो रॉयर को सिमन से शादी करनी थी, पर रॉयर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो जब सिमन सो रही है तब उसके बेड पर जाता है, उसे निर्वस्त्र करता है और फिर यहाँ उसका बलात्कार करता है। अब उसने ठान लिया है कि वो सिमन से शादी नहीं करेगा, उसे अपनी कैदी बनाकर रखेगा। वो सिमन से हर तरह का संभोग करना चाहता है। इसके लिए वो सिमन को और भी मर्दों के साथ ज़बरदस्ती घपाघप करवाता है। इससे उसका यह आइडिया है कि सिमन और ज़्यादा हिंसक तरीके से उसके साथ घपाघप करेगी और उसे संभोग का चरम सुख देगी। धीरे धीरे सिमन इन सब की आदी हो गई है। इस महल को रेनोवेट करने के लिए यहाँ पर एक यंग आर्किटेक्ट आता है। इसका नाम प्रायक्स है। सिमन ने प्रायक्स से मिलकर कुछ और भी प्लान किया है, यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। रॉयर ने सिमन के साथ जो किया है ये बात यहाँ गली गली में फैल चुकी है। सभी कह रहे हैं कि सिमन के साथ गलत हो रहा है। रॉयर अपनी हवस का शिकार सिमन को बना रहा है। इस बारे में जब मार्कस को पता चलाया तो उसने भी एक प्ले लिखा। इस प्ले का नाम रखा गया है द क्राइम्स ऑफ लव। आज की रात इस प्ले को परफॉर्म किया जा रहा है। एक शख्स है जो कि रॉयर का रोल प्ले कर रहा है, एक लड़की है जो कि सिमन का रोल प्ले कर रही है। इस तरह वो शख्स यहाँ पर इस लड़की का बलात्कार करता है। सभी इसे देखकर एंजॉय करते हैं। मैडलिन भी अपने रूम में छुपी इसे देखे जा रही है। इतने में ब्यूनक जो कि यहाँ का वर्कर है उसकी नज़र मैडलिन पर गई। इस प्ले को देखकर उसके अंदर भी ठरक जगी है। वो मैडलिन के साथ घपाघप करना चाहता है। मैडलिन को निर्वस्त्र करता है, पर मैडलिन अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाती है। प्ले की आवाज़ इतनी तेज़ है कि मैडलिन की आवाज़ बाहर नहीं आ पाती। मैडलिन यहाँ रखे आयरन को ब्यूनक के मुंह पर लगाती है। ब्यूनक काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। आवाज़ें सुनकर सभी उधर की तरफ जाते हैं। रॉयर भी देखता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। एवे जाकर मैडलिन को बचाता है। वो उसे अपनी बाहों में जिस तरह भरता है, यहाँ के सभी लोगों को पता चल गया कि एवे और मैडलिन का चक्कर है। रॉयर भी अब इस बात को जान चुका है। बाद में रॉयर एबे से मिलता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे और एक लॉन्ड्री गर्ल की प्रेम कहानी को यहाँ के एम्परर तक पहुँचा सकता हूँ। तुम्हें जल्द से जल्द मार्कस को चुप कराना होगा आगे किसी भी लिखाई को करने से।
अब एबे भी डर गया है। वो मार्कस को कहता है कि तुम अब अपनी लिखाई पर काबू पाओ, इसे लिखना बंद करो। इस तरह मार्कस से लिखने की सारी चीज़ें छीन ली गई हैं। मार्कस से मिलने उसकी वाइफ आती है। मार्कस इतना डिप्रेस है कि अपनी वाइफ की बॉडी पर ही लिखने लगता है। इसके बाद मार्कस ने अपने खून से अपने कपड़ों पर लिखना शुरू किया। रॉयर को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने मार्कस को यहाँ एक एम्प्टी सेल में डलवा दिया है। यहाँ मार्कस को निर्वस्त्र करके रखा गया है ताकि मार्कस को कोई कपड़ा ना मिले लिखने के लिए। इसी असाइलम में एक और मेड है, शार्लेट। शार्लेट मेडलिन की खूबसूरती से जलती है। इसके साथ ही वो एबे को पसंद करती है, पर वो जानती है कि एबे और मेडलिन का चक्कर है, इसका वो बदला लेना चाहती है। इसलिए वो मिली है रॉयर से। वो बता देती है कि मेडलिन ने ही आज तक मार्कस को हेल्प की है उसकी लिखी नोट्स को बाहर पहुंचाने के लिए। वो बताती है किस तरह मेडलिन की वजह से मार्कस इतना बड़ा राइटर बन पाया है और उसकी बुक्स छप पाई हैं। इधर सिमन ने भी प्रैक्स के साथ मिलकर भागने की प्लानिंग कर ली है। दोनों को आपस में प्रेम हुआ, दोनों ने आपस में गपागप किया और फिर दोनों यहाँ से भागकर इंग्लैंड पहुँच गए। भागने से पहले सिमन ने मार्कस की लिखी बुक जस्टिन को पढ़ा था। इसके बाद उसने एक नोट लिखा और इसे छोड़कर यहाँ से चली गई। जब रॉयर ने इस नोट को पढ़ा और जस्टिन बुक की कॉपी को दिखी, तब उसे समझ में आया कि ये सब कुछ मार्कस की वजह से हुआ है। ना मार्कस इस जस्टिन बुक को लिखता और ना ही सिमन में इतनी हिम्मत आती उसे छोड़कर जाने की। अब वो मार्कस को पनिश करना चाहता है। मार्कस को वो निर्वस्त्र कर उसे क्रूसीफाई करने का एक अजीब सा तरीका निकालता है। उसे बहुत बुरी तरह बांधा जाता है और उसे बार बार पानी में डुबाया जाता है। उसके दांतों को भी तोड़ दिया गया है। रॉयर मेडलिन को भी सजा देना चाहता है। इसके लिए वो पब्लिक के बीचों बीच उसे खड़ा कराकर उसे कोड़े पड़वाता है। एबे यहाँ मेडलिन को बचाने आता है। वो कहता है कि मेडलिन को छोड़कर मुझे कोड़े मार लो। इस तरह यहाँ एबे को कोड़े मारे गए। अब एबे को रियलाइज़ हो रहा है कि मेडलिन का यहाँ रहना सेफ नहीं है। वो उसे यहाँ से बाहर भिजवाना चाहता है। मेडलिन रात को एबे के पास आती है। वो कहती है कि वह एबे के बिना नहीं रह सकती। एबे कहता है कि तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। दोनों यहाँ आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। इसके बाद मेडलिन एबे से घपाघप की इच्छा जाहिर करती है। एबे घपाघप करने जाता है पर तभी अपने कदम रोक लेता है। उसकी नज़रों में ये पाप है जब तक कि वो मेडलिन से शादी नहीं कर लेता। उसने कहा है कि वो मेडलिन को यहाँ से बाहर भेज के रहेगा। मेडलिन गुस्से में यहाँ से निकलती है। एबे मनाने के लिए बाहर जाता है। शार्लेट ये सब देख लेती है। रात को मेडलिन मार्कस के सेल के पास आती है। वो मार्कस से कहती है कि मैं आखिरी बार तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊँगी। इसी दौरान ब्यूनक एकदम से मेडलिन पर अटैक करता है। वो यहाँ मेडलिन को जान से मार देता है। एबे भी इस समय मेडलिन को ढूंढ रहा है। इस आपाधापी में यहाँ के कैदी जेल से बाहर निकले। ये कैदी सालों से हवस के भूखे हैं। इन्हें यहाँ जो भी स्त्री मिली उनके साथ ये बलात्कार करने लगे। चारों तरफ यहाँ हाहाकार मचा हुआ है। इन सब में एबे मेडलिन को ढूंढ रहा है। अंत में एबे पहुँचा है लॉन्ड्री रूम में। यहाँ उसे मेडलिन की लाश मिली है। मेडलिन को मरा हुआ देखकर एबे बहुत बुरी तरह टूट गया है। वो मार्कस को कन्फ्रंट करने जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेडलिन की जान गई है, अब तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी होगी। मार्कस को उसने सजा के तौर पर उसकी जीभ कटवा दी है। पर इसके साथ ही एबे काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अब मेडलिन को वो खो चुका है। मेडलिन के लाश के पास हो जाता है। जब वो उसे किस करता है तब एकदम से मेडलिन की जान वापस आ गई। एबे यहाँ मेडलिन को निर्वस्त्र करके उसके साथ घपाघप करता है। जब उसके साथ घपाघप कर रहा है तभी वो देखता है कि जीसस की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यहाँ एबे को रियलाइज़ हो रहा है कि वो सिर्फ सपना देख रहा था। मेडलिन तो कब के मर चुकी है। ब्यूनक को सजा के तौर पर जेल में उसने डलवा दिया है। जेल के अंदर भी लोहे के अंदर कैद करके ब्यूनक को रखा गया है। एबे बाद में मार्कस से मिलता है जो कि अब मरने को है। एबे मार्कस को क्रूसिफिक्स देता है। वो कहता है कि तुम उसे किस कर लास्ट राइट्स को परफॉर्म करो। पर मार्कस यहाँ इस क्रूसिफिक्स को निगल जाता है और यहीं पर उसकी जान चली जाती है। इन सब बातों में एक साल बीत गया है। एबे को फिलहाल जेल में डाला गया है। उसी जगह एक नए यंग लड़के को ऑफिसर बनाया गया है। रॉयर उसे यहाँ का टूर दे रहा है। जब ये एबे के सेल के पास जाते हैं तब एबे लिखने की इच्छा जाहिर करता है। रॉयर उसे लिखने के लिए कोई भी मटेरियल देने से इनकार कर देता है। गुस्से में एबे यहाँ रॉयर को मारने ही वाला था। समहाउ रॉयर ने अपने आप को बचा लिया। फिल्म के एंड में हमें मेडलिन की मदर को दिखाया गया है जो कि मटेरियल प्रोवाइड कर रही हैं एबे को। एबे इस पर लिखना शुरू करता है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।